नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। एक दुकान है 6x8 की, उसका किराया है 1,25,00,000,000 रुपए। क्या हुआ, चौंक गए? चौंकिए मत, सच है। अब ये दुकान कहां पर है, इसका किराया इतना क्यों है, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जितना किराया इस छोटी सी दुकान का है, उतना रेंट तो बुर्ज खलीफा का भी नहीं। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में अगर आप 560 वर्ग फुट का अपार्टमेंट लेते हैं या फिर दुकान लेते हैं, तो उसका सालाना किराया भी इतना नहीं है जितना कि इस छोटी सी दुकान का महीने भर का किराया है। सवाल ये कि आखिर इस 6x8 की दुकान में ऐसा क्या है, इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। ये दुकान पाकिस्तान के शेखुपुरा में स्थित है। शेखुपुरा के मेन बाजार में गुलशन क्रॉकरी के नाम से मशहूर ये दुकान पिछले कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। आप इसे पुश्तैनी कह सकते हैं। इस दुकान को पिछले कई सालों से चला रहे अहमद ने बताया कि लगभग 60 साल पहले उनके पिता को ये दुकान सरकार की तरफ से अलॉट की गई थी। इस वक्त किराया ना के बराबर ही था। वक्त के साथ साथ किराया बढ़कर 22,000 तक हो गया, जिसको अहमद चुका भी रहे थे। हालांकि फिर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस आई और शेखुपुरा के मेन बाजार स्थित न सिर्फ गुलशन क्रॉकरी बल्कि लगभग सभी दुकानों को लेकर बोली लगवाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी, बाकी दुकानों की बोली भी 50-50 लाख तक पहुंची है। यानी कि इन दुकानों का मंथली रेंट 50 लाख के आसपास का होगा। इसी बाजार में गुलशन क्रॉकरी की कीमत 1,25,000,000,000 लगी। अहमद का कहना है कि वो जब नवाज शरीफ की पार्टी से जुड़े हुए थे तो वो हर किसी को एक जैसा ट्रीट करते थे, लेकिन अब की सरकार सभी से बदला ले रही है। अहमद का कहना है कि ये सब कुछ जिद और बदला लेने की मंशा से हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा बोलियां लगाई गई और आखिरकार ये बोली 1,25,00,000,000 पर आकर रुकी। वैसे सोचिए, अगर किसी एक दुकान का एक महीने का किराया 1,25,00,000,000 होगा, इस हिसाब से पाकिस्तान का पूरा कर्जा ही उतर जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर बोलते हुए अहमद ने यह भी कहा कि इसका जिक्र तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, इन दुकानों के मालिक कोई और नहीं बल्कि पंजाब सरकार है। दुकान को लंबे वक्त से चला रहे अहमद ने कहा, सरकार का ये फैसला गलत है। इन दुकानों पर पहला हक उन्हीं का बनता है जो इसे चला रहे। सरकार हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि जिस शख्स ने इस दुकान का किराया 1,25,00,000,000 देने की हामी भरी है, वो इसे चुका भी पाएगा या नहीं। इसका जवाब भी अहमद ने दिया और कहा कि ये दुकान इतना कमाकर नहीं देती है, सिर्फ जिद और बदला लेने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया ताकि हम झुक जाएं। 6x8 की इस दुकान का मंथली रेंट 1,25,00,000,000 है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।